एडवांस जार्विस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल का ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम लोगों ने सीखा था कि हम कैसे पाइथन के मदद से हमारा डेस्कटॉप का माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोलिंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे आपको PyTTSX3 का जरूरत पड़ेगा एंड स्पीच रिकॉग्निशन का जरूरत पड़ेगा। वेब ब्राउजर मैंने इम्पोर्ट किया था लेकिन मैंने यूज नहीं किया। PyOTGUI, Time एंड OS, इन पांचों को आप इंपोर्ट कर लो। वेब ब्राउजर को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया था, मुझे लगा था कि मैं यूज करूंगा लेकिन यूज किया नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे। मेरा पहला एक कमांड था कि Jarvis tell everyone to subscribe my channel and show them how to do it। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो सब्सक्राइब वर्ड होता है, अगर मेरा क्यूरी में सब्सक्राइब वर्ड इंक्लूड रहता है तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ये कोड जो है ये कोड पूरा फुल बॉडी रन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रिंट करवाया कि एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल हाउ टू मैनुअल। देन मैंने ये पूरा प्रिंट होगा, देन वो Jarvis ये बोलेगा वॉइस में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने दिया है कि PyOTGUI.hotkey देन win, मतलब हमारे ये विंडोज की जो होता है विंडोज की प्रेस होगा। देन आप देख सकते हो कि विंडोज की प्रेस होते ही यहाँ पे जो सर्च बार होता है यहाँ पे हमारा माउस ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। मतलब अब देख सकते हो हमें वहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देख सकते हो माउस वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, मतलब हम अगर कुछ लिखेंगे अभी यहाँ पे, जैसे हो गया क्रोम, अब देख सकते हो कि वो वहाँ पे लिख रहा है, हमें यहाँ पे ऐसे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो अगर क्लिक करने की जरूरत पड़ता तो हमें माउस से यहाँ पे क्लिक करवाना पड़ता। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो कि ओपन योर ब्राउजर ये बोलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्लिप फंक्शन का यूज किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि समझ लो हमारा ये विंडोज का जो बटन है ये प्रेस होते ही अगर ये ऑन नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्रोम लिखना स्टार्ट कर देगा। अगर ये ऑन नहीं होता है तो ये मिस हो जाएगा, मतलब समझ लो ये प्रेस करते ही सी लिख देगा। अगर ये ऐसे यहाँ पे कर्सर आने में अगर हाफ सेकेंड भी देर हो जाता है तो सी मिस हो जाएगा, एच से स्टार्ट होगा, मतलब HROME ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप टाइमर लगाया ताकि स्टेप मिस ना हो जाए। अगर आपका कंप्यूटर और स्लो है तो आप इसको 2 या फिर 3 कर सकते हो। उसके बाद Jarvis बोल रहा है कि ओपन योर ब्राउजर, ठीक है, मैंने स्पीक करवाया। उसके बाद टाइप राइट एक फंक्शन होता है जिससे आप इसके अंदर जो भी लिख देते हो कोटेशन के अंदर वो एज इट इज Jarvis टाइप करवा देता है। एंड यहाँ पे अगर आप कॉमा देके एक टाइम दे देते हो, मतलब मैंने यहाँ पे दिया है 0.1, तो 0.1 सेकंड में ये क्रोम टाइप होगा CHROME ऐसे करके। अगर आप ये टाइम नहीं देते हो तो एज इट इज मतलब क्रोम एक साथ टाइप हो जाएगा, मतलब अचानक से टाइप हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से 1 सेकंड का स्लिप दिया है एंड देन लिखा है कि PyOTGUI.press enter। तो आप ये जो हॉट की है अगर आप एक बटन प्रेस करवा रहे हो तो ये हॉट की और प्रेस एक ही काम करता है। और इस दोनों की का क्या डिफरेंस क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंड उसके बाद क्या होगा, वो यहाँ पे बोलेगा कि type youtube.com, देन वो यहाँ पे उसको टाइप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राइट यूज किया है, राइट एंड टाइप राइट ऐसे कुछ टाइप करवा रहे हो। टाइप राइट एंड राइट एक ही फंक्शन होता है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। इसका क्या डिफरेंस है ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। अभी ये फिर से 1 सेकंड का स्लिप टाइम लेके एंटर प्रेस करेगा, देन ये बोलेगा कि क्लिक ऑन सर्च बार, यहाँ तक क्रोम में हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ओके, वो ऐसे यूट्यूब ओपन कर लेगा, ठीक है, वो क्रोम में जाके यूट्यूब सर्च करके यूट्यूब ओपन कर लेगा। वो अभी आपको बोलेगा क्लिक ऑन द सर्च बार। आप मुझे पूछ सकते हो मैं इतना काम क्यों किया, मैं तो यहाँ पे इजीली लिख सकता था जैसे मैंने यहाँ पे 6 में यूज किया था। मैं अगर कुछ नहीं, मैं अगर वेब ब्राउजर डॉट ओपन उसके बाद ब्रैकेट देके youtube.com लिख देता तो इतना जो मैंने कोड लिखा है ये पूरा कोड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। ये जो कोड लिखा है ये मुझे करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करके देता। तो मैं ये क्यों किया, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि माउस एंड कीबोर्ड को कैसे यूज करते हैं। जितना हम यूज करेंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस होगा, उतना हमें पता चलेगा कि हम किस हद तक Jarvis से हमारा कंप्यूटर कंट्रोल करवा सकते हैं, क्या क्या काम करवा सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस। ये काम और भी आसानी से हो सकता है, जैसे हो गया कि हम सर्च बार में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, सर्च बार के ऊपर जाके इस माउस को क्लिक करवाया एंड सर्च बार का कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे। मतलब ये क्या करता है, ये जो सर्च बार के ऊपर ऐसे हमने क्लिक करवाया, ठीक है, तो सर्च बार का कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये कैसे मिलेगा ये मैं दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, जैसे आप देख सकते हो पायोटो जी यूआई को इम्पोर्ट किया है, टाइम को इम्पोर्ट किया है, एंड यहाँ पे 3 सेकंड का स्लिप टाइम दिया है। ये स्लिप टाइम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि समझ लो हम यहाँ पे रन करते हैं, तो रन करते ही ये आपको आपका माउस का जो पोजीशन होता है, ये पहले ये साइज क्या होता है, ये साइज होता है कि अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन बताता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन आपका जो माउस कर्सर का पोजीशन होता है वो उसका पोजीशन बताता है। तो अगर हम स्लिप टाइम नहीं देंगे तो हमें ये यहाँ पे क्लिक करते ही वो इस पोजीशन, मेरा माउस का जो पोजीशन है उसका जो पिक्सल कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये test.py के ऊपर क्लिक करवाना है तो इसका पिक्सल कोऑर्डिनेट जानना है, तो मुझे माउस को यहाँ तक लाने का जो टाइम चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए ना, इसलिए मैंने 3 सेकंड टाइम दे दिया है कि 3 सेकंड बाद ये कोड रन हो, तब तक मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, मैं कहीं पर भी ये माउस लेके जा सकता हूँ। मैं आपको ये एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने रन किया, ओपन किया एंड यहाँ पे आके छोड़ दिया। अभी 3 सेकंड वेट करेंगे हम, 1 2 3 हो गया होगा अब तक, बैक कर देते हैं। अभी देख सकते हो ये मुझे बता दिया 973 एंड 128, तो हमने कितना यूज़ किया था यहाँ पे 125। अब देख सकते हो कि 806 यूज़ किया था हमने, मतलब ये एक ही लाइन में होता है, ये 806 शायद यहाँ पे मैंने किया था, 9 यहाँ पे होगा, 1000 यहाँ पे होगा। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा मैं आपको बता दिया कि पिक्सल कोऑर्डिनेट कैसे निकलना है, तभी ये पिक्सल कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो अभी मूव टू जो फंक्शन होती है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मूव टू फंक्शन क्या होता है। मूव टू फंक्शन से जर्विस क्या करेगा, हमारा माउस को यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है, देन वो क्लिक करवाएगा, वो सेम लोकेशन पे हमें क्लिक करवा रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बाद वो बोलेगा कि टाइप हाउ टू मैनुअल, देन वो टाइप करेगा हाउ टू मैनुअल, मतलब वहाँ पे सर्च बार में हाउ टू मैनुअल टाइप कर रहा है, देन वो प्रेस एंटर करेगा, देन ये मूव टू मतलब मेरा चैनल का जो मेरा चैनल वहाँ पे शो होगा, तो मैंने चैनल के ऊपर मेरा माउस कर्सर को लेके गया है, एंड उसका पिक्सल कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा वो मैंने आपको दिखा दिया अभी। तो आपको ऐसे पिक्सल कोऑर्डिनेट निकल लेना है, एंड आप कहीं पे भी माउस ले जा सकते हो आप वहाँ पे जाके। मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, समझ लिया, यहाँ पे आ गए, मैंने यहाँ पे आके ऐसे टाइप हो जाएगा, देन एंटर प्रेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया, मैंने क्या किया कि मेरा माउस कर्सर तो यहाँ पे रहेगा, मैंने क्या किया कि मैंने इस पोजीशन का पिक्सल कोऑर्डिनेट जो होता है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो छोटा सा 3 लाइन का जो कोड था उससे, एंड मैंने माउस को ऐसे मूव करवाया यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा चैनल है। उसके बाद मैंने माउस को यहाँ तक मूव करवाया, इसका भी पिक्सल कोऑर्डिनेशन मैंने निकल लिया। तो हम जब आगे जार्विस को और एडवांस करेंगे तब हम ऐसे कोड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इमेज रिकॉग्निशन का यूज़ करेंगे। इमेज रिकॉग्निशन क्या होता है कि हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, देन इसको क्रॉप कर देंगे ऐसे, एंड जार्विस को बता देंगे कि जब हम बोलेंगे कि सब्सक्राइब, तो जार्विस ये सब्सक्राइब ये जो फोटो है ये फोटो ये पूरा स्क्रीन में ढूंढेगा, एंड जहाँ पे भी ये फोटो मिलेगा उसके ऊपर जाके क्लिक कर देगा। तो ये फोटो रिकॉग्निशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जो कि इसके ऊपर वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, अभी मैं थोड़ा करके एडवांस कर रहा हूँ जार्विस को। यहाँ पे बोलेगा हेयर यू विल सी योर चैनल, हेयर क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, मतलब वो आपको दिखाएगा। देन मैंने जो जो टास्क परफॉर्म किया है आप देख सकते हो, चलो मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से कोड ले सकते हो। एंड बहुत लोग मुझे सोर्स कोड मांगते हो कि मुझे सोर्स कोड दे दो, भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर सोर्स कोड आपको दे दिया, आप अगर ये सोर्स कोड लिख भी लेते हो मतलब कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, ये बहुत सारे ये जो है PyTTSX3 स्पीच रिकॉग्निशन ये हमने इंस्टॉल किया है, अगर ये इंस्टॉल अगर ना करके आप अगर पूरा ये कोड कॉपी कर देते हो तो आपको पूरा लाइन आप देखोगे कि ये पूरा हर एक लाइन आपको एरर दिखाएगा, तो आप फेड अप हो जाओगे कि आप कहाँ से एरर फिक्स करना स्टार्ट करें, क्या हुआ, आप फेड अप होकर छोड़ दोगे, इसलिए मैं नहीं देता। और एक कॉज है कि आप जितना कोड टाइप करोगे उतना आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। ये जो आप देख सकते हैं हमें ये यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, यहाँ पे फिनिश करना है, ये सब आप जितने बार लिखोगे उतना आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, आप उतना कोड अच्छे से लिख पाओगे। ये तो मैंने कोड आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद के मर्जी से आप इसको एडिट करोगे, तो एडिट करने के बाद आपका जब कोड में एरर आएगा आप सोचोगे कि आपका गलती है कि आप कोड एडिट कर नहीं पा रहे हो, लेकिन शायद आपको यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा एक स्पेस मिस हो गया या फिर कोई एक कॉमा मिस हो गया, आप कॉमा के जगह कुछ और लगा दिया, तो ये
गलती आपसे होता रहेगा। आप अगर जितना कोड टाइप करोगे उतना आप सीखोगे। तो ये कितना कोड है, ये तो आप देख सकते हो, 20 से 25 लाइन का कोड है। वो भी आप लाइन देखो, 10 बड़ा लेटर का एक लाइन है। आप ये टाइप करो एंड आप समझो भी कि ये टाइप क्यों कर रहे हो। आप ये चेंज भी कर सकते हो, क्लिक ऑन द सर्च बार, जो स्पीच मैंने दिया है ये स्पीच आप चेंज करो, आप खुद के जैसे बनाओ, अब खुद इसको इम्प्रूव करो और इम्प्रूव करो। देन आते हैं टाइप। मैंने एक डेमो वीडियो डाला था कल कि उसमें मैंने दिखाया था कि मैं बोल रहा हूँ कि जार्विस टाइप, आई एम योर डेस्कटॉप असिस्टेंट, तो जार्विस वो टाइप कर रहा है। तो ये 3 लाइन का कोड है बस, अब देख सकते हो ओनली 3 लाइन का कोड है जिससे जार्विस, आप जो भी बोलोगे जार्विस वो टाइप कर देगा। तब देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब भी आप कुछ बोलते हो कि आप जो भी बोलते हो उसके अंदर टाइप ये वर्ड इंक्लूड होता है, तो जार्विस क्या करेगा, टाइप करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप ये जो टाइप बोलते हो ना, इसको वो टाइप नहीं करेगा। मैं जार्विस को ये कहता हूँ कि जार्विस टाइप आई एम जार्विस, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे टाइप करेगा टाइप आई एम जार्विस, मतलब वो टाइप भी इंक्लूड कर लेगा। इसीलिए मैंने ये किया गया है कि टाइप जो वर्ड होता है उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया। तो आप अगर आप कहते हो कि टाइप आई एम जार्विस, तो वो सिर्फ ओनली आई एम जार्विस टाइप कराएगा। एंड यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन दे दिया है कि 0.1 सेकंड टाइम लेके टाइप करें। अगर आप समझ लो कि आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो तो बहुत बड़ा कुछ बोल दिया आपने, तो वो धीरे 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 टाइप करेगा, तो आप इसको हटा देना, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हटा देना। इससे क्या होगा, वो आप बोलोगे एज इट इज़ वो टाइप कर देगा, तो आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा। आपको अगर वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जार्विस आपके लिए कर देगा। उसके बाद आते हैं ओपन पेंट में, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने बोला था कि ड्रॉ ए लाइन, तो आप देख सकते हो मैंने माउस को पहले पेंट का जो सीट होता है उसके ऊपर मैंने माउस को मूव करवाया 400.300 पिक्सल कोऑर्डिनेट में। मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया, मतलब माउस जो जाएगा 400.300 मतलब ऐसे प्लेस में होगा। तो वो क्या करें, माउस समझ लो आपका माउस यहाँ पे, तो माउस धीरे धीरे ऐसे करके जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद एक लेफ्ट क्लिक करेगा, देन ड्रैग रेल दिया है हमने कि इस पोजीशन के रिलेटिव वो 400 पिक्सल ड्रैग करेगा। एंड हमने अंडू भी दिया था, अंडू मतलब कंट्रोल एंड जेड, हमने कंट्रोल प्रेस करके हॉट की, यहाँ पे आप प्रेस यूज मत करना, काम नहीं होगा, यहाँ पे आपको हॉट की यूज करना है। एंड कंट्रोल जेड मतलब आप अगर अंडू करना चाहते हो आप बस कह दो अंडू, तो वो आपका अंडू कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्क्वायर भी ड्रॉ किया था, तो ये उसका कोड है, बहुत ही सिंपल है। पहले मैं यहाँ तक ड्रैग करवाता हूँ, उसके बाद नीचे 400 ड्रैग करवाता हूँ, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद ऊपर। ये जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करवाया वो मैंने 3 अलग डायरेक्शन से लाइन को ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर स्पाइरल, जो कि एकदम ये ड्रॉ स्क्वायर की तरफ ही है, लेकिन मैंने हर एक ये जो लाइन, हर एक कोड रन होता है हर एक लाइन में, मैं डिस्टेंस को 10 माइनस कर दिया है, तभी जाकर स्पाइरल बनेगा ना, नहीं तो छोटा नहीं होगा, तो वो ऐसे स्क्वायर में ही एक ही लूप में चलता रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन जब नीचे आ रहा है यहाँ पे मैंने 10 माइनस कर दिया है, तो अभी वो 10 माइनस हो गया, मतलब समझ लो यहाँ पे अगर वो 300 आ रहा है तो उसके बाद वो 290 आएगा, उसके बाद वो 280 जाएगा, उसके बाद वो 270 जाएगा, ऐसे करके छोटा होता रहेगा, ऐसे करके करके मैंने यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जब नहीं तो वो माइनस में, मतलब वहाँ पे माउस आपका अनलॉक होगा ही नहीं, अब माउस को ड्रैग नहीं कर सकते, अब माउस वहाँ पे लॉक होकर रह जाएगा। इसलिए मैंने किया है कि जब तक डिस्टेंस 0 से ज़्यादा रहता है तब आपको इसको ध्यान से टाइप करना है, नहीं तो आपका माउस लॉक हो जाएगा, आपका माउस जब तक वो ये टोटल स्पाइरल ड्रॉ नहीं कर लेता तब तक आपका माउस नहीं मिलने वाला, तो आपको ध्यान से ये कोड लिखना है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि पेंट एंड क्लोज को टास्क स्किल फंक्शन के थ्रू एग्जिट करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम जार्विस को और भी थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में आप ढूंढोगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम लेके मुझे कमेंट करता है तो मैं उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करके आपका प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो। एंड ये मैंने आपको सिखाया है कि आप क्या क्या कर सकते हो माउस एंड कीबोर्ड को कंट्रोल करके जार्विस से। आपका दिमाग में अगर कुछ ऐसा नया आइडिया आता है कि हम ये भी तो करवा सकते हैं जार्विस से, एंड आप वो ट्राई करो एंड ट्राई करके मुझे बताना। आप कोड को यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो कि मैंने ये करवाया, आप मुझे बोल भी सकते हो। आप अगर कुछ ट्राई कर रहे हो एंड सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मेरे साथ वो थॉट शेयर कर सकते हो कि मैंने ये ट्राई कर रहा था कि मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मेरा नीचे, आपको ऐसे भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट मुझे मांग लेना व्हाट्सएप नंबर, मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, एंड वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो आपका आइडिया लेके। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं हेल्प करूंगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं तब आपको एक नोटिफिकेशन मिले।